स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 6 और 7 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु तेरा प्रेम स्वर्ग तक फैला हुआ है, आकाश की तरह ऊंची है तेरी सत्य प्रतिज्ञता, ऊंचे पर्वतों के सदृश है तेरा न्याय, अथाह समुद्र के सदृश है तेरा निर्णय। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। आइए प्यारे विश्वासियों, हम प्रभु की प्रेममय उपस्थिति में, जहाँ वो एक सुंदर रोटी के रूप में हमारे बीच उपस्थित है, आइए हम कुछ क्षण अपने आप को सिर्फ और सिर्फ प्रभु के सामने समर्पित करें। हम जैसे भी हैं, हम जो कुछ भी हैं, अभी हमारे अंदर जितनी भी चीज़ें चल रही है, हो सकता है बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां और भी बहुत कुछ, पर आइए आज हम वो सब कुछ प्रभु के प्रेम के आगे समर्पित करें। प्रभु का पवित्र वचन फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 2 में पद संख्या 6 में कहता है, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वे ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण किया तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमें भीतर और बाहर से जानने के बाद भी वह ईश्वर जो हमें अकेले में भी देखता है, वह ईश्वर जो ये सब जानता है कि हमारे मन में, हमारे हृदय में क्या है, उस सच्चाई को जानने के बाद भी उसने हमारे लिए दास का रूप धारण किया और वह इस संसार में एक मुक्तिदाता के रूप में आया। उसने अपनी सारी महिमा छोड़कर अपने आप को इतना दीनहीन बना लिया कि उसने हमारे लिए और हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरण, हाँ क्रूस पर मरण स्वीकार किया। Yes, Lord. आइए उस प्रेममय प्रभु की उपस्थिति में हम हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां छोड़कर उसकी उपस्थिति में आ जाएं और सब कुछ उसे समर्पित करें, क्योंकि उसने हमारे लिए अपने प्रेम के कारण अपने आप को शून्य बना लिया। Yes, अपना सारा महिमा, अपना सारे राज्याधिकार छोड़कर, वह स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए इस धरती पर आ गया। आइए उसकी स्तुति करते हुए हम इस गीत को गाएं और उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करें। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा को छोड़कर, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान, मृत्यु सही मृत्यु क्रूस की, मृत्यु को स्वीकार किया और हुआ सबसे महान। तू राज करे सर्वदा यीशु, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने प्रभु आपके आगे टिके, घुटने टिके सिर्फ यीशु नाम के लिए। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 9 में प्रभु का वचन कहता है, इसीलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके। हाँ प्यारे विश्वासियों, यह उचित है कि हम सब
अपना सारा अहंकार, अपना घमंड छोड़कर प्रभु के आगे घुटने टेके। yes, क्योंकि वह इस समस्त संसार में राज्य करता है, परंतु फिर भी अपने आप को इतना विनम्र बना लेता है कि हमारे आगे शून्य बनकर एक रोटी के रूप में जब भी हम उसे पुकारे वह उपस्थित होता है। yes, Lord. स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 47 पद संख्या 2 में प्रभु का वचन कहता है, समस्त राष्ट्रों तालियां बजाओ और उल्लसित होकर ईश्वर का जयकार करो, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है, वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। आइए उसकी स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 93 पद संख्या 2 में प्रभु का वचन कहता है, तेरा सिंहासन प्रारंभ से स्थिर है, तू अनंत काल से विद्यमान है। हाँ प्यारे विश्वासियों, इस संसार की सृष्टि से पहले ही प्रभु विद्यमान था, उसका सिंहासन सदा सर्वदा बना रहता है। yes, Lord. आइए हम फिर एक बार प्रभु की स्तुति करते हुए कहे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हमारे प्रभु ईश्वर के सामने उसके कदमों के नीचे सारा संसार टिकता है, और उससे बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है। yes, Lord. आइए हम हमारी सारी चिंताएं, हमारी सारी परेशानियां और जो कुछ हम में है, हमारी सारी कमजोरियां भी सब कुछ प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि वह एक शक्तिशाली ईश्वर है। क्योंकि उसके लिए पवित्र वचन कहता है, आकाश के ऊपर विराजमान प्रभु बाढ़ के गर्जन और महासागर के प्रचंड लहरों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। yes, Lord. वह शक्तिशाली ईश्वर हमें किसी भी कठिनाइयों से, किसी भी संकटों से और पापों के जाल से निकालने के लिए सामर्थ्य रखता है। आइए हम उस पर विश्वास करें और हमारा विश्वास उस पर स्थिर बनाएं। आइए हम उसे समर्पित करते हुए जिस प्रकार संत योहन उनके विषय में कहते हैं कि जो मेरे बाद आने वाले हैं मैं उनके जूते का फीता बांधने योग्य भी नहीं हूँ। आइए हम हमारी अयोग्यता उसके सामने स्वीकार करें। आइए हम ये स्वीकार करें कि हम उसके सामने कुछ नहीं है। आइए हम भी प्रभु से कहें कि प्रभु हम में आप बढ़ते जाएं और हम हमेशा घटते जाएं। आइए जिस प्रकार संत योहन प्रभु यीशु के विषय में कहते हैं कि यह ईश्वर का मेमना है जो हमारे सारे पापों को हर लेता है, आइए हम हमारे सारे पापों को, जो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, आइए उन सभी पापों को, उन सभी गहराइयों में दबे हुए पापों को प्रभु यीशु को समर्पित करें। क्योंकि वह ईश्वर का भेजा हुआ एक ऐसा मेमना है जो हमारे सारे पापों को हमसे दूर कर देता है, हमारे सारे पापों को हर लेता है। उसके रक्त के द्वारा, उसके निर्दोष रक्त के द्वारा हम सब पवित्र किए गए हैं। आइए फिर एक बार उसकी स्तुति करते हुए हम इस गीत को गाएं। थैंक यू जीसस। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां, सजदे में हर इंसान वध जो हुआ निर्दोष में बना, पापों के लिए तेरा है सारा अधिकार, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में प्रभु, घुटने टिके सारे, घुटने टिके समस्त संसार आपके सामने, घुटने टिके प्रभु यीशु नाम, सिर्फ यीशु नाम के लिए, तू राज करे, तू राज करे।
राज करे, सारी दुनिया पे प्रभु सिर्फ आप राज करे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके